Assalamu alaikum dosto. This is intercropping of eggplant and potatoes. Friend, jis tarah aap dekh sakte hain is khet mein humne do kisam ke fasle lagaye hue hain lineon pe. Ek ye eggplant hai. Is tarah pure khet mein. Aur dusra ye potato hai. इस तरह पूरे खेत में फ्रेंड जब आप पोटैटो यानी आलू के लिए बेड्स बनाते हैं और उसमें आप आलू काश करते हैं तो इसके साइडों पर आप एक प्लांट काश कर सकते हैं जिस तरह हमने किया है फ्रेंड ये देखो यहाँ पर हमने आलू के लिए बेड्स बनाए हैं ना इसमें हमने आलू लगाए हैं इस तरह पूरे खेत में तो आलू के बेड्स के एक साइड पर हमने एक प्लांट लगाए हैं बिंगल इस तरह पूरे खेत में फ्रेंड इंटरक्रॉपिंग का मतलब है कि ज़मीन के हिस्से पर दो या दो से ज़्यादा फसलें लगाई जाए इसको इंटरक्रॉपिंग कहते हैं और इंटरक्रॉपिंग के मुख्तलिफ किस्में हैं जिस तरह रॉ इंटरक्रॉपिंग एंड मिक्स इंटरक्रॉपिंग फ्रेंड इस खेत में हमने जब इंटरक्रॉपिंग की है वो रॉ इंटरक्रॉपिंग की है यानी हमने आलू और एक प्लांट यानी बैंगन को लाइनों में लगाए हैं जिस तरह आप देख सकते हैं इस तरह ये बैंगन हमने लाइनों में लगाई है और ये आलू इसके लिए हमने बेड बनाए हैं ये बंदे बनाए हैं और उस पर हमने काश किए हुए हैं इस तरह पूरे खेत में फ्रेंड अगर आपके पास जगह कम हो और आप उससे ज़्यादा पैदावार लेना चाहें तो इसका उस ज़मीन में इंटरक्रॉपिंग कर लिया करें यानी दो या दो से ज़्यादा फसलें लगाएं तो इस तरह आपकी पैदावार बढ़ेगी और आपके मदन में इजाफा होगा दोस्तों जिस तरह आप देख सकते हैं कि इस खेत में हमने दो किस्म की फसल लगाई है आलू को हमने बेड्स आलू के लिए हमने बेड्स बनाए हैं बंदों में हमने काश किए और एक प्लांट को इसके साइडों पर लगाए इस तरह पूरे खेत में अभी आलू की फसल तकरीबन तैयार है इसकी कटाई होगी ये है आलू की फसल ये जब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद ये एक प्लांट शुरू होगा एक प्लांट ये अभी फ्लावर पर आ रहा है तकरीबन इसमें अभी दो महीने रहते हैं दो महीने बाद ये फ्रूट शुरू कर देगा तकरीबन ये एक प्लांट हमने फरवरी के महीने में लगाए थे अभी ये मई का महीना है तकरीबन चार महीनों में ये तैयार होता है चार महीनों में ये अपना प्रोडक्शन शुरू कर देगा फ्रेंड ये अभी मई का महीना है मई के महीने में अभी आलू की कटाई होगी जब आलू की फसल ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद ये बैंगन यानी एक प्लांट शुरू होगा तो फ्रेंड इस तरह ये लंबा सीज़न होगा इस वजह से हमारा पैदावार बढ़ेगी और हमारी आमदन में इजाफा होगा और इंटरक्रॉपिंग का ये भी फ़ायदा है कि फसल का आप दो से ज़्यादा फसलें लगाएं अगर एक फसल की मार्केट में आपको प्राइस अच्छी ना मिले तो दूसरे की चांसेस है कि आपको अच्छी प्राइस मिले फ्रेंड अगर आपको हमारे इंटरक्रॉपिंग का वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शुक्रिया वस्सलाम ना ख्याल रखिए